ज्योमेट्री का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था पूरा डिफिनिशन एंगल्स के बारे में, नहीं सब एंगल का टाइप, कौन कौन टाइप था एंगल का, उसका डिफिनिशन बताए थे, उसको समझाए थे। उसके बाद आपको बोले थे कि आप अपना कोई बुक निकाल करके उसको बनाने के लिए, आपको कुछ मिला होगा कुछ नहीं मिला होगा, या इसमें बहुत कम रहा होगा किताब में। आज उसी चीज को आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े क्या समझे, तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बनवा रहे हैं। आप यदि अभी कॉपी कलम लेके बैठ जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है सीखने के लिए, तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हम क्वेश्चन बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, पूरा नहीं बताएंगे। जैसे क्वेश्चन एक है, ये एक लाइन हुआ, एक लाइन हुआ, इस लाइन का नाम हम रखते हैं ए बी, ठीक है। इसके पैरेलल एक दूसरा लाइन खींच लिए जिसका नाम है सी डी। यह लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। तीसरा लाइन ले लिए ई एफ, ठीक है, और तीनों एक दूसरा का पैरेलल है। पैरेलल किसको बोले थे, समानांतर, माने क्या समानांतर, माने क्या इक्वल डिफरेंस, नहीं, यानी यह तीनों लाइन एक दूसरा का क्या है, पैरेलल है, ठीक। और एक ऐसा लाइन हम ले लिए जो इस तीनों को काट रहा है, ठीक है, तीनों को काट रहा है, इसका नाम रख दिए हम जी एच, ठीक है। और कहाँ कहाँ काटा, ए बी को काटा आई पर, सी डी को काटा जे पर, और ई एफ को काटा कहाँ, के पर, ठीक है। इतना तो आप पढ़े ही थे पिछला दिन, इसमें सिर्फ एक लाइन हम आगे बढ़ा दिए हैं, सारा एंगल के बारे में बताए थे आपको, ठीक। अब देखिए इसमें कितना क्वेश्चन बन सकता है, गौर कीजिए, सोचिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा, हम इसमें से क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखने जा रहे हैं, फाइंड द नेम ऑफ ऑल एंगल्स। नहीं बन सकता क्वेश्चन, फाइंड दी नेम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म, इसमें टोटल जितना एंगल बना हुआ है आया कि नहीं फॉर्म, हाँ ठीक, इसमें टोटल जितना एंगल बना हुआ है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो टोटल कितना एंगल बना हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 एंगल है इसमें, 12 का नाम आपको लिख देना है। लिखने का दो तरीका था, उसको भी याद कीजिएगा। जैसे इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो हम EKH और HKE लिखते हैं, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप दूसरा क्वेश्चन पर आइए कि दूसरा हम क्या दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी रेज इन दिस फिगर, इस फिगर में कितना रे है, ठीक है, इस फिगर में कितना रे है, हाउ मेनी रेज इन दिस फिगर, इस फिगर में कितना रे है, ठीक है। रे आपको बताए थे जिसमें ओनली वन इंड पॉइंट होगा और एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते जाते हैं, बनाना आपको है। जैसे आई बी एक रे हुआ, जे डी एक रे हुआ, आई जी एक रे हो गया,
जे सी एक रे हो गया, समझ गए बात आप। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी लाइन्स, हाउ मैनी लाइन्स। अच्छा एक चीज इसमें हम और जोड़ते जाते हैं, हाउ मैनी रेज इन दिस फिगर, इस फिगर में कितना रे है वो तो गिन के लिख देगा, नाम भी लिखना है, नेम देम, ठीक है, नेम देम, उसका आपको नाम भी लिखना है, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स इन दिस फिगर, इस फिगर में कितना लाइन है, ठीक है, उसका भी आपको नाम लिखना है, नेम देम, उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, उसके बाद उसका क्या लिखना है, नेम देन उसका नाम लिखना है। लाइन सेगमेंट कौन है, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोला जाता है जिसका दो एंड पॉइंट हो, एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो, डिफिनिट लेंथ हो, यानी ये आपका क्या हो गया लाइन सेगमेंट, ये आपका क्या हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। चार क्वेश्चन, आप सोचे रहिए अब तो हो गया, नहीं अब और आगे बढ़ते हैं, हम अब इसको साफ करेंगे क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है। 1 2 3 4, चार क्वेश्चन हुआ, लाइन सेगमेंट निकालना था, रे निकालना था, और क्या निकालना था, एंगल्स निकालना था, ठीक, चार क्वेश्चन आ गया। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं कि चौथा क्वेश्चन, यहां देख लीजिए जितना जगह है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये तो आपका 4 ना हुआ, 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें हम पूछ देते हैं आपसे कि फाइंड द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल का पेयर लिखना है, ठीक है, फाइंड फाइंड ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, कौन एंगल, एडजेसेंट एंगल, यानी एडजेसेंट एंगल का जितना पेयर बनेगा उसको लिखना है। बताए थे एडजेसेंट एंगल का पेयर, इसका ई हो गया और इसका ई भी तो होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड ऑल लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, इसमें कौन कौन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या था, दोनों को मिला के कितना हो जाना चाहिए था, 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम दे देते हैं आपको, फाइंड ऑल VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फाइंड ऑल पेयर ऑफ VOA, हम सीधा VOA लिखते हैं, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का कौन कौन पेयर है, जैसे इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ई, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ई, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ई, और इसका ई, फिर इसका ई, और इसका ई, सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आपको ले आ रहे हैं कहां तक, 7 तक, अब इसको हम साफ करें। फिगर यही रहेगा, फिगर नहीं चेंज होना, फिगर आपका चेंज नहीं होना है, इसी फिगर में हम क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर यहां लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लिख रहे हैं कि फाइंड द पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, फाइंड द पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर माने क्या? अंदर वाला। अल्टरनेट आपको बताए थे कि किसका अल्टरनेट कौन होगा। जैसे इसका अल्टरनेट क्या होगा? ई होगा। और इसका अल्टरनेट क्या होगा? ई। फिर इसका अल्टरनेट क्या होगा? ई। और इसका अल्टरनेट क्या होगा? ई। क्योंकि इंटीरियर में है, अंदर में है, इसीलिए। ठीक है। अब है एक्सटीरियर अल्टरनेट। इसी में से अगला क्वेश्चन हम जान डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी बाहर से जो अल्टरनेट आएगा उसका। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड ऑल पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फाइंड ऑल पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल का क्या क्या है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए थे। करेस्पॉन्डिंग का हिंदी क्या था? संगत, माने क्या? साथ। किसका कौन साथ देने वाला है? जैसे इसका साथ कौन देगा? ई। इसका साथ कौन देगा? ई। ई सब क्या कहलाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कीजिएगा? ठीक। अब आप अपने से बना के देखिए क्वेश्चन। ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अब कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है। जैसे इसका वैल्यू हम डाल दिए 125 डिग्री। 125 डिग्री डाल दिए। एंगल ए आई जी, एंगल ए आई जी इज इक्वल टू कितना? 125 डिग्री। फाइंड ऑल रेस्ट एंगल्स। इसी से और जितना भी एंगल है उसका वैल्यू निकालना है। इसी से निकल जाएगा। कैसे? क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ एंगल ए आई जी इज इक्वल टू 125 डिग्री, देन फाइंड ऑल अदर एंगल्स। ठीक है। फाइंड ऑल अदर एंगल्स। अब कैसे कैसे निकालिएगा? सबसे पहली बात है कि ए आई जी के साथ जी आई बी, ये क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर होगा तो दोनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये यदि 125 है तो यह कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा? तो 180 में से माइनस कर दिए। ठीक है। वहां कारण लिखना होगा। अपने से 25 वो 35 45 लिखने से काम नहीं चलेगा। कारण लिखना होगा। एंगल ए आई जी एंड एंगल जी आई बी आर लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल ए आई जी प्लस बी आई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ए आई जी का वैल्यू 125 बैठाइएगा तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 55। अब हम यहां लिख दिए 55 डिग्री हो गया। अब एक चीज देखिए, यह 55 है। ठीक। यानी जी आई बी 55 है तो जी आई बी आई जे डी जे के एफ ऑल आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या? इक्वल। यानी यह 55 तो ये भी 55, ये भी 55 हो गया। अच्छा, अब आइए, यह 125 तो ई भी 125। क्यों? क्योंकि वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 125 ई भी हो गया मेरा 125, नहीं हो गया? अच्छा, यह 55 ई भी 55 क्योंकि वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी एंगल जी आई बी इज इक्वल टू एंगल ए आई जे बिकॉज बोथ एंगल्स आर वी ओ ए। अब देखिए इसका करेस्पॉन्डिंग कौन है? ई। और इसका करेस्पॉन्डिंग कौन है? ई। यानी यह 55 तो यह भी 55 और यह भी 55। ठीक है। और इसी से आपका सारा निकल जाएगा।
यह 125, ये भी 125, ये भी 125, इसका यह भी हो, इसका यह भी हो, यानी जो भी एंगल है उसका आंसर या तो 55 होगा या 125 होगा। हो गया, ये आपका क्वेश्चन था, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। इस फिगर से इतना क्वेश्चन बना। अब और आप अपना से दिमाग लगाइए, आप अपना से क्वेश्चन अराइज कीजिए, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, वही ब्रेन होता है। आप किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है वो बना लिए, उससे कुछ नहीं होगा। अब हम आगे आते हैं, अगला टॉपिक आप क्या पढ़ें। अगला टॉपिक पढ़े थे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, पढ़े थे ना, अगला टॉपिक पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोले थे, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता था वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता था, और एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एंगल पहले का कॉम्प्लीमेंट कहलाता था। ठीक, अब इसमें एक चीज देखिए, जैसे आपको कहा जाए क्वेश्चन, आपको हम बता दिए 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 माइनस 30 60 डिग्री, आसान था। लेकिन हम तो आपको इतना आसान नहीं देंगे, अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि 22 डिग्री 15 मिनट, 22 डिग्री 15 मिनट, और सेकेंड में भी ले लीजिए, मान लीजिए 35 सेकेंड, 22 डिग्री 15 मिनट 35 सेकेंड, इसका हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 22 डिग्री 15 मिनट 35 सेकेंड। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते थे आप, क्या बोले थे, 90 में से माइनस करना है, तो 90 डिग्री में से 22 डिग्री 15 मिनट 35 सेकेंड को माइनस करना है, तो माइनस कीजिए आप, कैसे माइनस कीजिएगा, तो 90 डिग्री, ठीक है, 00 मिनट लेने में कोई दिक्कत नहीं, और 00 सेकेंड लेने में कोई दिक्कत नहीं, टाइम ठीक है, तो 22 डिग्री 15 मिनट 35 सेकेंड। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमको माइनस करना है, ये तो 00 सेकेंड है, अब माइनस करना है कितना, 35 सेकेंड, तो हम इसमें से लेंगे, ये बेचारा के पास अपने नहीं है, वो किसमें से लेगा, इसमें से लेगा, यानी 1 डिग्री ही लिया। ठीक है, ये कितना लिया, 1 डिग्री लिया, तो यह कितना हो जाएगा, 60 मिनट हुआ। इसी 60 मिनट में से ये क्या ले लिया, 1 मिनट, यानी करने का मतलब यह हो गया 59 मिनट और ये हो गया 60 सेकेंड। इस बात को ध्यान से देखिए, इसमें से हम 1 डिग्री लिए, और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट होता है, और 60 मिनट इसमें से हमको 1 मिनट लेना है इसके लिए, सेकेंड वाला के लिए, तो अभी कितना बचा, 59 मिनट, और 1 मिनट इसके लिए क्या हो गया, 60 सेकेंड। अब तक काम आपका आसान हो गया, ये जो 90 था अभी कितना बचा, 89 कितना बच गया, 89, यानी यह हो गया 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, अब आप 60 में से 35 को माइनस कर लीजिए, कितना होगा, 25, ये हो गया आपका 25 सेकेंड। ठीक, और 59 में से 15 को माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 44 मिनट। इधर है 89 में से 22 को माइनस किए तो 927826, यानी 66 डिग्री 44 मिनट और 25 सेकेंड। एक ही एग्जांपल में आपको हम बता दिए, हम चाहते तभी सिर्फ आवर मिनट लेते, उसके बाद आवर मिनट सेकेंड लेते, लेकिन आपको एक ही बार में बता दिए हम कि आवर मिनट सेकेंड। हाँ, इसमें भी घुमाया जा सकता है, इससे मान लीजिए और क्या क्वेश्चन बोले हैं, आवर मिनट ले लेते कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, आप मिनट वाला को उड़ा देते हैं, उधर कर देते हैं 36 सेकेंड। इस प्रकार से क्वेश्चन आप अराइज कीजिए। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट, इसी टाइप से सप्लीमेंट भी बनेगा, सेम मेथड,
क्या उसको हम बनाते नहीं हैं, लेकिन आपको सिर्फ बता देते हैं कि सप्लीमेंट का के लिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड, इसका हमको निकालना है सप्लीमेंट। ठीक है, ये निकाल लीजिएगा आराम से। क्या चलिए साफ किया जाए। साफ करने से पहले एक चीज और देखिए, एंगल वाला जो हम आपको बताए थे तो उसमें तो एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि हम एंगल का मेजरमेंट आपको देते हैं और आपको बताएं, आपको बताना है कि यह किस टाइप का एंगल है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड द नेम ऑफ एंगल्स, इस एंगल का क्या नाम है। जैसे हम यहां लिखते हैं 15 डिग्री, ठीक है, तो 15 डिग्री जो है यह किस टाइप का एंगल है, 15 डिग्री जो हुआ यह किस टाइप का एंगल हुआ, एक्यूट एंगल। आप समझ गए होइएगा, 15 डिग्री का एंगल क्या हुआ, एक्यूट एंगल। हम लिखते हैं 35 डिग्री, 35 डिग्री का एंगल किस टाइप का एंगल हुआ, एक्यूट एंगल। 40 डिग्री 20 मिनट यह किस टाइप का एंगल हुआ, एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल का डेफिनेशन आप पढ़े थे, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। अब समझ गया बात, आगे बढ़े। हम लिख देते हैं यहां 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल किस टाइप का एंगल है, राइट एंगल। 105 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, 110 डिग्री 30 मिनट ऑब्ट्यूज एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, 190 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ग्रेटर देन 180 या लेस देन 360, 225 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, 300 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल और 360 डिग्री क्या होगा, कंप्लीट एंगल। अब समझ गए, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता था। और एक क्वेश्चन पिछला क्लास में बताए थे कि वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू टू स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू फोर राइट एंगल। ठीक है, अब आ जाइए, कितना क्वेश्चन बन सकता है देख लिए। अब आगे देखिए, कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट आप समझ गए, ठीक है। अब हम उसी में दोनों में रिलेशन, रिलेशन भी आप समझिए, वर्ड प्रॉब्लम के आधार पर आपको यदि क्वेश्चन दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम डाल देगा। जैसे दो एंगल आपको हम बता रहे हैं, एक एंगल है आपका 30 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री, रिजल्ट बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन बनाना है, कितना टाइप से क्वेश्चन इसका बन सकता है। टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट, 30 डिग्री और 60 डिग्री, वन एंगल इज 30 डिग्री ग्रेटर देन दी अदर, ध्यान दिए बात को, टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट, वन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन दी अदर। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट, वन एंगल इज डबल ऑफ अदर। या इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट, वन एंगल इज हाफ ऑफ दी अदर। देख लिए कितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, यानी दो एंगल में कभी डिफरेंस दे देगा, ठीक है, कभी कहेगा कि वो इससे इतना बड़ा है, वो इससे इतना छोटा है, कभी कहेगा वो उसका डबल है, कभी कहेगा वो उसका हाफ है, कभी कहेगा 2/3 है, वही दोनों में रिलेशन देते रहेगा और क्वेश्चन बढ़ाते रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल,
एंगल ए इज 20 डिग्री मोर देन बी, फाइंड एंगल्स। ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल ए इज 20 डिग्री मोर देन बी, एंगल ए इज 20 डिग्री मोर देन बी, यानी एंगल ए बी से 20 डिग्री ज्यादा है, एंगल ए बी से 20 डिग्री ज्यादा है, यानी बी को हम मान लेते हैं एक्स, बी को क्या मान लेते हैं एक्स। लेफ्ट यानी जिससे जिससे ज्यादा या जिससे कम उसको मानिए, सुविधा होगी। लेट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल बी से 20 डिग्री ज्यादा, बी से ज्यादा यानी एंगल ए बराबर कितना एक्स प्लस कितना 20 डिग्री, हो गया बात खत्म। इसके बाद आपको आता है, क्योंकि यह दोनों क्या है कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो कंप्लीमेंट्री एंगल है इसका मतलब क्या है, दोनों का सम कितना 90 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, एंगल ए कितना है एक्स प्लस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 90, यानी 2x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 35, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना डिग्री 35 डिग्री हो गया, यानी b कितना हो गया 35, ये नहीं निकाल सकते हैं, 35 प्लस 20 कितना 55, यानी एक एंगल हो गया 35 और दूसरा एंगल हो गया 55, देखिए दोनों का एंगल सम कितना है 90 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा इसमें दिया एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल ए इज 20 डिग्री मोर देन बी, क्या और यहां पर हम लिख देते हैं एंगल ए इज 20 डिग्री लेस देन बी, नया क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया नया क्वेश्चन, अब इसको कैसे बनाइएगा फिर देखिए क्वेश्चन, इसको हम बनाने नहीं जा रहे हैं, एक क्वेश्चन डाल दिए हैं आप अपना बनाएंगे। एंगल ए इज 20 डिग्री लेस देन एंगल बी, यानी एंगल ए बी से 20 डिग्री लेस है, किससे लेस है बी से, तो बी हमको पता चलेगा तब ना ए निकलेगा, यानी किसको मानना होगा बी को, यानी लेस एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल ए क्या होगा, ए क्या हो जाएगा एंगल ए 20 डिग्री लेस, यानी क्या एक्स माइनस 20 डिग्री, इसके बाद तब बन जाएगा कि दोनों का सम निकाल के कितना कर देंगे 90 डिग्री, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए फिर इसके आए क्वेश्चन, इसको हम साफ किए, क्वेश्चन वही रहने देते हैं। लेट एंगल ए थी एंगल ए एंड एंगल बी आर कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एंगल ए इज हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल ए इज हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल ए क्या है बी का हाफ, एंगल ए क्या है बी का हाफ, भैया बी पता चलेगा तब, तो किसको मानेंगे बी को, एंगल बी को हम क्या मान लिए एक्स, तो एंगल ए बराबर कितना होगा इसका हाफ, यानी एक्स बाई टू हो गया, इसका मतलब एक्स प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, अब आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, समझ गया। इसी प्रकार से आप पर है कि आप कितना कीजिए, अब हम इसमें चेंज कर देते हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एंगल ए इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी, ठीक है, एंगल ए इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंगल ए क्या है एंगल बी का 4 टाइम्स, यानी बी जितना होगा उसका 4 गुना, तो बी जितना होगा उसका 4 गुना, तो बी कितना होगा, तो बी को क्या मान लेंगे एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू कितना 4x, फिर दोनों को प्लस करेंगे कितना लिखेंगे 90 डिग्री, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और इसी सारा क्वेश्चन में जो हम कॉम्प्लीमेंट्री आपको हम बताए हैं, इसी सारा क्वेश्चन में यदि सप्लीमेंट्री कर दें तो सिर्फ क्या होगा
सारा क्रियाकर्म ऐसे ही होगा, अंत में प्लस करने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इससे आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, वो आप अपना से बनाइए। क्वेश्चन आप जितना अराइज कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, यानी उतना मैथ्स आपके पास आएगा। अब किताब में दो क्वेश्चन है उसको बना लिए, उसमें से उससे नहीं होगा, आप अपने से क्वेश्चन बनाओ ना। अब बताओ, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से यदि क्वेश्चन बने, ठीक है, यदि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन बनाया जाए तो दुनिया का जितना भी कॉपी है वह खत्म हो सकता है। इसी से अंदाज करो कि कितना कॉपी बन सकता है, कितना क्वेश्चन बन सकता है इससे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना बना, ठीक है। हाँ, यदि आप पिज्जा खाते होइएगा, बर्गर खाते होइएगा, सिंगारा खाते होइएगा, चाट खाते होइएगा, तब नहीं बनेगा, तब कम बनेगा, तब कम बनेगा, जान लीजिए। यदि घर का खाना ज्यादा खाते होइएगा तब बनने का चांस ज्यादा है। यदि पिज्जा बर्गर और उल्टा पुल्टा सामान खाइएगा बाहर का, तो उतना बनने का चांस कम हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में देखिए, यही क्वेश्चन रहने देते हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री को अब हम हटा के सप्लीमेंट्री कर दिए, कॉम्प्लीमेंट्री को हटा के सप्लीमेंट्री कर दिए, आ लिख दिए एंगल ए इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंगल ए इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, एंगल ए इज इक्वल टू 4x, देन 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 36 डिग्री, इसी 4x अराउंड कितना 4 × 36 निकाल लीजिए। समझ गए। अब एक क्वेश्चन इसमें देखिए, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, और कहता है एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, दोनों इक्वल है, यानी ए एक्स तो बी भी एक्स, 2x इज इक्वल टू कितना 180, एक्स इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। समझ गए बात, अब आ जाइए। कितना टाइप का क्वेश्चन हो गया, 32, ठीक है, लेकिन इसको बनाइए, इसको बार बार सुनिए, और जितना क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए उसको बनाइए, ठीक है, उतना आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा, ये आपका बेस बन रहा है ज्योमेट्री का। अभी आप जितना मेहनत कीजिएगा ज्योमेट्री उतना आसान लगेगा, नहीं तो सुनते हुए फलना भैया फलना दीदी हमको मैथ समझ में नहीं आता है क्योंकि ज्योमेट्री समझ में नहीं आता, दिक्कत यहीं से है। ठीक है, जय माँ बगलामुखी।